इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं इंदौर शहर, जहां पे अक्षय बम को जिला कोर्ट से झटका लगा है। अक्षय बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। अक्षय के पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। 17 साल पुराने मामले में ये कार्रवाई हुई है। आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी थी, अंतिम समय तक दोनों कोर्ट में नहीं पेश हुए। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अक्षय बम नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, और अब देखिए यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका अक्षय कांति बम को। समीर खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। समीर, कितना बड़ा झटका अक्षय बम के लिए? जिस तरह से आपने कहा कितना बड़ा झटका, तो ये एक बड़ा झटका है अक्षय कांति। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस से जो उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया है समीर, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम ये बात करें तो ये पूरा की पूरा जो प्रकरण है वो प्रकरण हम कहें कि पहले से ही चल रहा था। जिस तरह कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अपना नॉमिनेशन जब वापस लिया गया था, तो ये कहा गया था कि एक वजह प्रकरण भी हो सकता है। मतलब साफ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट की वजह भी ये है कि वो खुद उपस्थित नहीं हुए, जबकि आज की तारीख दी गई थी उन्हें उपस्थित होने की। और जो फरियादी हैं, हम ये कहें उनके 164 धारा में भी बयान हो चुके हैं। साथ ही साथ जो हम ये कहें कि न्यायालय ने पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद धारा 307 का इजाफा करने को लेकर जो है ये पेशी दी, और उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि वो अपने पिताजी के इलाज की वजह से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे। लेकिन जो फरियादी पक्ष है, उनके अधिवक्ता ने अपनी बात काफी हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग तरीके से रखी, और उसके बाद जो है अक्षय कांति बम के खिलाफ और उनके पिता जो है उन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। समीर, यहाँ पे देखिए मुश्किलें ना सिर्फ अक्षय कांति बम के लिए बल्कि उनके पिता के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब दोनों का क्या रुख रहेगा अगला? बिल्कुल, देखिए अब उन दोनों के पास जो है न्यायालय की क्योंकि पूरी की पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया है, और इस न्यायालयीन प्रक्रिया को लेकर जो उनके अधिवक्ता हैं वो भी कुछ देर पहले ही जो है न्यायालय की पूरी कार्रवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकले हैं। उनका यही कहना है कि वो अपील करेंगे। मतलब साफ है अब गिरफ्तारी वारंट हुआ है तो अब वो जमानत की अपील करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल जाए, नहीं तो फिर वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब साफ है कि इस पूरे ही प्रकरण में अगर वो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो भी ये मुसीबत उनके सिर आना ही थी, जिस तरह की जो है हमने कहें कि प्रक्रिया हुई है। और अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया, तो भी ये जो है मुसीबत उनके ऊपर आई है। इस पूरे ही प्रकरण में हम ये कहें कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अक्षय कांति बम की तरफ से इस पूरे मामले में, या फिर उनके पक्ष से किसी का भी? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि अक्षय कांति बम तो चूंकि वो अपने पिताजी की बीमारी का हवाला देकर दोनों ही पिता पुत्र उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अपने पिताजी का वो इलाज करा रहे हैं, इलाज के लिए बिजी है। मतलब साफ है कि उस बात को न्यायालय ने नहीं माना है, और हम ये कहें कि इस पूरे ही प्रकरण में अब जो है उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लगातार जो है उन्हें फोन भी कर रहे हैं लेकिन उनका फोन जो है लग नहीं पा रहा है। मतलब साफ है कि जब कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया तो अब पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर कभी भी जो है कोर्ट में पेश कर सकती है, या फिर ये हो सकता है अभी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि अगली तारीख को जो है उनको आना ही होगा। उनका गिरफ्तारी वारंट की मीनिंग ये भी होती है, और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि उन्हें जेल होती है या बेल मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर विस्तार से जानकारी देने के लिए।